दोस्तों आज के टाइम में गवर्नमेंट स्कीम का जितना भी पैसा है वो आपके आधार एनपीसीए के थ्रू जो बैंक अकाउंट लिंक है उसी अकाउंट में आपको दिया जाता है। आपको अलग से अपने बैंक डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है इस योजना का पैसा भी अब आपको डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से ही दिया जाता है। और अभी रिसेंटली में जो लाडली बहना योजना चलाई गई है जिसमें आपको प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जाएंगे, ये 1000 रुपये भी आपको डीबीटी के माध्यम से ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसी प्रकार की दोस्तों गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का पैसा डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से ही आपको दिया जाता है। तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर एक पोर्टल चलाया है जो कि दोस्तों डीबीटी का ही पर्टिकुलर पोर्टल है। आप डीबीटी की सर्विसेज ही इस पोर्टल पर कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आकर दोस्तों सबसे पहले तो आप चेक कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, जितनी भी योजनाएं हैं, इन योजनाओं के तहत कौन कौन सी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपके आधार से एनपीसीए के थ्रू जो बैंक अकाउंट लिंक है उस बैंक अकाउंट को आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार एनपीसीए से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके आधार से कोई दूसरा बैंक अकाउंट लिंक है तो आप अपने आधार एनपीसीए के थ्रू जो बैंक अकाउंट लिंक है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, उसको आप बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं कौन सा ये पोर्टल है, किस प्रकार की सर्विसेज आपको देखने को मिलेगी और किस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार एनपीसीए से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है एंड किस प्रकार इस बैंक अकाउंट को आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं या फिर आपके पास में लैपटॉप है तो लैपटॉप का यूज भी आप लोग कर सकते हैं। तो आपको रैंडमली कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और इस ब्राउजर में आपको टाइप करना है डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे ही आपके सामने फर्स्ट लिंक आएगा डीबीटी भारत, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। दोस्तों आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं डीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो चुके हैं जो कि अभी रिसेंटली में ही लॉन्च की गई है। आप यहां पर देख सकते हैं डीबीटी की जो फुल फॉर्म है यहां पर बताई गई है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि दोस्तों जो भी बेनिफिट है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा। तो दोस्तों इस वेबसाइट का सबसे पहला इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी डीबीटी यानी कि एनपीसीए के जो बेनिफिट्स ले रहे हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। 28,84,539 करोड़ लोग यहां पर इस एनपीसीए का बेनिफिट ले रहे हैं। तो इस संख्या को आप यहां पर स्टेट वाइज देखना चाहते हैं तो आप यहां पर देखेंगे स्टेट का ऑप्शन भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके स्टेट का कंप्लीट विवरण कंप्लीट डाटा देख सकते हैं। अब दोस्तों आप यहां पर देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अप्लाई नाउ, सिंपली इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर कुछ कैटेगरीज दिखाई गई है जैसे फॉर्मर, सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशनर, वुमेन एंड चाइल्डर, कुछ इस प्रकार की कैटेगरीज आपको दिखाई गई है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाता है उन कैटेगरीज को यहां पर बांटा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम यहां पर फॉर्मर्स पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मर की दोस्तों सभी स्कीम खुलकर आपके सामने आ जाएगी जिस स्कीम में डीबीटी के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफर किया जाता है। आप यहां पर उन स्कीम की लिस्ट दे सकते हैं जिसके अंदर जो सबसे कारगर स्कीम है पीएम किसान, उस स्कीम को भी आप यहां पर इस लिस्ट में देख सकते हैं। आप यहां पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो इस स्कीम के लिए दोस्तों डायरेक्ट आप यहीं से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहां पर किसानों से रिलेटेड जितने भी स्कीम है वो सभी स्कीम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी और सभी स्कीम में दोस्तों डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा और इन स्कीम में यहीं से ही आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। आप यहां पर देंगे तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी स्कीम है जिन डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाता है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी स्कीम है या फिर अदरवाइज स्टूडेंट्स के लिए जितनी भी स्कीम है जिन स्कीम में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाता है उन स्कीम की लिस्ट भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी और यहीं पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप उस स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको कहीं दूसरी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके आधार कार्ड एनपीसीए के थ्रू जो बैंक अकाउंट लिंक है उसको किस प्रकार चेक करेंगे, अगर गलत बैंक अकाउंट लिंक है तो आप किस प्रकार उस बैंक अकाउंट को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर आ जाना है एंड आप यहाँ पर देखेंगे आधार यूआईडीआई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे सिटीजन कॉर्नर, सिंपली आपको इसी पर ही
क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ नए ऑप्शंस खुलकर आ चुके हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। दोस्तों अभी ये जो सर्विस है अभी यहाँ पर काम नहीं कर रही है, इस सर्विस का जो पेज है वो वर्किंग मोड में है, अभी आप यहाँ पर चेक नहीं कर पाओगे कि आपके आधार से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। आप यहाँ पर चेक करते रहना है, जब भी ये पेज वर्किंग मोड से हट जाएगा तो आपको अपने आधार नंबर फिल करने हैं, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार एनपीसी के थ्रू कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। फिलहाल दोस्तों अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का एरर शो होगा, दिस पेज इज नॉट वर्किंग। तो दोस्तों आपके आधार एनपीसी के थ्रू कोई गलत बैंक अकाउंट लिंक है या फिर आप अपने बैंक अकाउंट को बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड ऑन आधार सेटिंग एनपीसी में पर, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों आपके आधार एनपीसी के थ्रू जो बैंक अकाउंट आप लिंक, इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक तो ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस अपनाना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक नेक्स्ट टैग ओपन करना है और इसमें दोस्तों आपका जिस बैंक अकाउंट में भी आपका खाता है उस बैंक अकाउंट का नाम आपको फिल करना है और उसके साथ में आपको डीबीटी टाइप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जैसे मेरा जो अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो पर मैं टाइप करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा डीबीटी। तो जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उस बैंक का नेम आपको यहाँ पर पहले फिल कर देना है, इसके आगे आपको टाइप करना है डीबीटी। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे कुछ लिंक्स शो हो जाएंगे, तो देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा डीबीटी लिंक, सिंपली हम इसी पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारे सामने जो फर्स्ट लिंक आएगा हम इसी पर ही क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन ही डीबीटी से आपका आधार लिंक करने के लिए यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको केवाईसी करनी होगी, आपके अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद दोस्तों आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, आपके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आ जाएगी, आधार कार्ड के थ्रू आपको ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है तो आपका आधार एनपीसी के थ्रू आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट है तो सिंपली आपको टाइप करना है पंजाब नेशनल बैंक, आप यहां पर टाइप करोगे पंजाब नेशनल बैंक डीबीटी। आप जैसे ये टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगा, सेम इसी प्रकार जो भी आपका बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है, आगे डीबीटी टाइप करना है, फर्स्ट लिंक आएगा, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। क्लिक हियर आधार बेस आधार सेटिंग, हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। दोस्तों हमारे बैंक अकाउंट की जो नंबर है वो नंबर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में हम आधार नंबर फिल करेंगे, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर वो हम यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे एंड हमारे आधार से आधार एनपीसी जो हमारा बैंक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक लिंक हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आपको ऑनलाइन एनपीसी के थ्रू अपने आधार कार्ड को लिंक करना है। लेकिन दोस्तों ये जो सर्विस है, ये सुविधा है वो अभी सभी बैंकों में उपलब्ध नहीं है, ये जो सर्विस है कुछ कुछ बैंकों में ही आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, कुछ इसी बैंक में आपको यह सर्विस मिलेगी। अगर आपका खाता किसी दूसरे बैंक अकाउंट में है तो आपको ऑफलाइन ही अपने आधार को एनपीसीआई से लिंक करना होगा, तो आपको यहां पर बैकग्राउंड ऑन आधार सेटिंग एनपीसीआई मेपर पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाता है, तो फॉर्म को दोस्तों आपको प्रिंट करके निकलवा लेना है, इस फॉर्म को आपको यहां पर फिल कर लेना है, जैसे ब्रांच का नेम, आपका किस अकाउंट में आपका खाता है, आपका जो भी नेम है, आपका जो अकाउंट नंबर है एंड आपके जो भी सिग्नेचर है वो सब कुछ आपको यहाँ पर फिल करना है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ आपको यहाँ पर इस फॉर्म में फिल करके इस फॉर्म के साथ आपके आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी लगा देनी है एंड जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उस बैंक में आपको इस फॉर्म को जमा करवा देना है एंड आपके आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी भी जमा करवा देनी है। 7 से 8 दिन के अंदर आपका जो बैंक है आपके आधार एनपीसीआई से लिंक हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को आप फॉलो करके आप अपने आधार कार्ड से आधार एनपीसीआई को लिंक कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा आपका और भी कोई कन्फ्यूज या फिर सवाल जो आप है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में, अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।